स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज का हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स हम इस आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उन पे फ़र्क पड़ता है उन पे अफेक्ट आता है हमारे पास इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन क्या होता है जंगलात का कटाव, जो फॉरेस्ट है जंगलात उनमें कमी आना हमारे पास डिफोरेस्टेशन के अंदर आ जाता है और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो इर्द गिर्द का एन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करता है जैसे हमारे पास इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कार्बन डाइऑक्साइड उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होती है क्यों इंक्रीज़ होती है कि जंगलात के कम होने जंगलात जो हैं जो दरख्त वग़ैरह आपके पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अब्ज़ोर्व करते हैं जब उनको ही काट दिया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो अपने अंदर ऑब्जॉर्व करते हैं उनके अंदर इतनी मतलब वो ज़ाहिर सी बात अब्ज़ोर्व करने के लिए नहीं होंगे तो इन्वामेंट में ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ होगा इसके अलावा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमारे पास सेकंड पॉइंट ये भी आता है कि बायोडावर्सिटी डिफोरेस्टेशन की वजह से जो बायोडावर्सिटी है उसका भी लॉस होता है बायोडावर्सिटी में आपके जानदार आ जाते हैं जिसमें आपके मोस्टली पानी के लैंड के तमाम जानदार इसके अंदर शामिल होते हैं उनके अंदर भी कमी आती है जंगलात के काम होने की वजह से उसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रप्शन इन वाटर साइकिल वाटर साइकिल में कमी आती है साइकिल में कैसे कमी आती है कि जब जंगलात में कमी होती है जंगलात कम होते हैं दरख्त तो वगैरह कम होते हैं तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो बारिशें हैं उनकी तादाद कम हो जाती है मतलब जो रेन होती है बारिशों की तादाद कम हो जाती है पहले से कम होती है वो इसकी वजह से जो वाटर साइकिल है ये भी हमारे पास डिक्रीज होता है ये भी कम होता है हमारे पास पहले से इसमें भी कमी आ जाती है फ्लड फ्लड भी वजह बनते हैं हमारे पास डिफोरेस्टेशन की कि जो हमारे पास जब पानी जब फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं फ्लड के ज़्यादा होने की वजह से जो जब जंगलात होते हैं दरख्त वगैरह दरमियान में आके उसका बहाव फ्लड का बहाव या पानी का बहाव जो है वो स्लो कर लेते हैं आहिस्ता कर लेते हैं तो अगर हमारे पास जंगलात कम हो जाए उनकी कटिंग की जाए तो जो पानी का बहाव होगा वो कम नहीं होगा मतलब वो जैसे ही आगे एरियाज़ के अंदर आएगा फ्लैट एरियाज़ के अंदर उनका भाव कम नहीं होगा वो वैसे ही उसी रफ्तार में आएंगे जिसकी वजह से वो एक वजह बनती है फ्लड की इसके अलावा हमारे पास फॉरेस्ट फायर भी आ जाते फॉरेस्ट फायर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ भी एक मतलब ये भी हमारे पास आ जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो बाकी जिंदगियां होती हैं जैसे वहाँ पे जैसे हाथी वगैरह एलिफेंट जिराफ या लाइन्स वगैरह जो भी इस तरह के वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं जंगलात के अंदर उन पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलात की कमी की वजह से ये हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट सेकेंड हमारे पास आ गया अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन क्या होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बनाइजेशन में आपका क्या होता है जब बहुत ज्यादा आबादी में आबादी में इजाफा होता है आबादी आपकी इंक्रीज होती है पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आती है उनके जो मतलब उनके अंदर जो हमारे पास नेसेसिटीज़ है जब वो लोगों की पूरी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी आएगी वहाँ की जो गुड्स हैं वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर कमी आएगी जिसकी वजह से जो एक वजह बनती है आपकी अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह बनती है और अर्बनाइजेशन हमारे पास नेक्स्ट आगे डिफरेंट डिज़ास्टर्स की वजह बनती है वो हमारे पास इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं कि एट दी एंड हर चीज़ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाती है फ्रीजिंग पॉइंट से मुराद के वो ब्लॉकिंग सिस्टम पे आ जाता है कि वो जो हर चीज़ हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से फॉर एग्जांपल अगर अर्थ आए अर्थ क्वैक का है तो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर ऑटोमेटिकली इफेक्ट पड़ेगा उसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट नेसेसिटीज होती हैं उनके अंदर भी कमी आती है और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी बंद हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स मीन्स के डैम्स का बनाना डैम्स के बनाने की वजह से जब डैम्स बन रहे होते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ़ मतलब डैम्स के बनने के दौरान डिफरेंट मशीनरी यूज़ की जाती है डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल होता है जिसकी वजह से वो जो ज़मीन है उसकी तोड़ होती है उसके अलावा हमारे पास इसी मतलब डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से ये हमारे पास वजह बनते हैं अर्थक्वेक की अर्थक्वेक की वजह कैसे बनते हैं क्योंकि डिफरेंट मशीनरी का यूज़ किया जाता है यूज़ ऑफ मशीनरी डिफरेंट मशीनरी का यूज़ किया जाता है जिसमें हमारे पास हैवी मशीनरी आ जाती है जो एक वजह बनती है अर्थक्वेक की नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ गया माइनिंग माइनरी भी माइनिंग जो है मतलब खुदाई करना वहाँ से डिफरेंट मिनरल्स निकालना ज़मीन के निचले पोर्शन से मतलब उसके अर्थ सरफेस के बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट है इनर पार्ट उस वहाँ से डिफरेंट uh, मिनरल्स की खुदाई करना और मिनरल्स निकालना ये भी हमारे पास एक नेचुरल डिजास्टर की वजह बनती है और मोस्टली uh, जो माइनिंग है माइनिंग की वजह से मोस्टली आपका लैंड आती है जो नेचुरल डिजास्टर हम फेस करते हैं माइनिंग की वजह से वो आपका कौन सा होता है लैंडस्लाइडिंग नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट आ जाता है पोल्यूशन पोल्यूशन हमारे पास पोल्यूशन के अंदर ये तमाम एक तरह से पॉइंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफोरेस्टेशन उसके अलावा हमारे पास अर्बनाइजेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स माइनिंग एयर एंड लैंड पोल्यूशन। अब जो पोल्यूशन है हमारे पास डिफरेंट जैसे पॉइंट्स अभी यहाँ पे मैंने लिखे डिफोरेस्टेशन अर्बनाइजेशन एयर एंड लैंड पोल्यूशन इन तमाम की वजह से हमारे पास ज़्यादातर जो नेचर डिज़ास्टर की वजह बनती है वो आते हैं नेचर डिजास्टर वोलैनो एंड लैंडस्लाइडिंग लैंडस्लाइडिंग और वोल्केनो जो है ये मोस्टली जो अर्थ में पोल्यूशन होती है उसकी वजह से आता है अर्थ की पोल्यूशन और वो पोल्यूशन का सबब कौन होते हैं वो मतलब हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही पोल्यूशन क्रिएट होता है नेक्स्ट हमारे पास सिक्स पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चर 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 में हम देखते हैं कि जैसे डिफरेंट जमीन के नीचे हमारे पास जमीन डिफरेंट क्रॉप्स की क्रॉप्स को उगाना हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर आता है तो एग्रीकल्चर में जब मिशन होती है क्रॉप्स की मिशन होती है या बहुत सारे जो हमारे पास इसमें डिफरेंट जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं उनकी मिशन होती है तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन क्रिएट होता है और वो भी एक वजह बनती है सॉइल इरोजन की हमारे पास इसकी एग्रीकल्चर की वजह से जो नेचुरल डिज़ास्टर आता है वो आता है सॉइल इरोजन और सॉयल इरोजन मोस्टली किस वजह से आता है जमीन के ज्यादातर फर्टाइल ना होने की वजह से वहां पे ड्रफ होने की वजह से उनकी वजह से आपका सोलरोजन वजह बनती है नॉट फर्टिलिटी एंड ड्रफ इसकी वजह से हमारे पास सोलर की वजह बनती है सो so स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को नेचुरल डिज़ास्टर के साथ मतलब पढ़ा कि ह्यूमन ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो एक वजह बनती है कि नेचुरल डिज़ास्टर है आते हैं वो उनके डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जिसके अंदर हमारे पास डिफोरेस्टेशन उसके अलावा एग्रीकल्चर अर्बनाइजेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैस माइनिंग एंड पोल्यूशन आते हैं उम्मीद है कि आपको इन पॉइंट्स की समझ आई होगी अगर किसी पॉइंट या किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़